आज की स्टूडियो में मैं आपको अपना कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म दिखाऊंगा जो हमने क्रिकेटर MS धोनी से इंस्पायर होकर खोला है। तो चलिए चलते हैं उसकी ओर को। तो ये है हमारा पोल्ट्री फार्म। ये यहाँ पे छोटा पोल्ट्री फार्म भी है। दो हमारे पास चूजे हैं, तीन उनके लिए। चलो चलते हैं अंदर को। ये बड़ा वाला है, इसमें करीब 50 मुर्गे थे कड़कनाथ, पर हमने कुछ बेच दिए तो कम बचे हैं। ये इनका फीडर है, लटका हुआ है जो वाइट कलर का, और ये इनका ड्रिंकर है। और यहाँ नीचे ये देते हैं अंडे। यहाँ पे बहुत सारे खाने हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाके अंडे देते हैं। अभी तो नहीं दिए हैं, ये देखिए। और ये इनके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ बाहर इनके लिए खाना वगैरह है, वर्मी कंपोस्ट। तो ये ड्रिंकर में पानी नहीं है, ड्रिंकर में पानी भरते हैं। चलो ये ड्रिंकर, चलो भरते हैं, ले चलते हैं। तो ये ड्रिंकर कुछ इस टाइप से खुल जाता है, इसका रेड वाला पार्ट अलग हो जाता है, दूसरा भी इसी टाइप से खुल जाएगा। दूसरा भी इसी टाइप से ये खुला ऐसे खुल जाता है। अब इसके जो वाइट वाला पार्ट है इसमें पानी भर दूंगा और फिर वापस लगा के वहाँ पे रख देंगे। तो अब लेके आते डब्बा। तो अब इसको डब्बा ले जा के रखता हूँ। इसको ऐसे पकड़ना होता है, फिर कुछ इस टाइप से ऐसे पलट देना होता है और इसमें पानी आते रहता है। ये देखो, ये रेड वाले पार्ट में आने लग गया पानी। यहाँ पे छेद है एक, जिस छेद से आता है, और जैसे ये रेड वाले पार्ट का पानी ख़त्म होता है तो जो पानी भरा था वाइट वाले पार्ट में वो फिर आने लग जाता है और फिर मुर्गी यहाँ से पी लेती है पानी। तो अब मैंने दोनों ड्रिंकर भर के रख दिए हैं। अब मैं बता दूँ कि ये खाते गए हैं। हम इन्हें 25% खाना देते हैं, बाकी 75% ये यहाँ खा लेते हैं बाहर। बाहर वर्मी कंपोस्ट है, वहाँ के अर्थवॉर्म केचुए खाते हैं, और वहाँ पे भूसा वूसा भी फेंकते रहते हैं हम, वीट वेस्ट वो भी खाते हैं वो। और हम इन्हें वैसे बाज़ार से मंगा के वो फीड भी देते हैं, पर बहुत कम देते हैं, 25% दिखाता हूँ। तो हम इन्हें खाने में ये देते हैं, ये जो ये दाना होता है मुर्गों का ये मिल जाता है ऐसे में, थोड़ा सा दे के दिखाता हूँ। उठे ले जाते हैं, ये है हमारी छोटी 3 देसी मुर्गियाँ। इन्हें हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं कुछ, ले डर रही है वो भी, ले 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 आ ले 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 खा आजा, डर रही है मेरा आज, खा लो। एक वो है, 3 मुर्गियाँ हैं टोटल, और ये हमारी गई हैं। इन पर बनाऊँगा एक अलग से वीडियो। ये गई खाना खाने, मुझे डाला था वो, देखो खा रहे हैं। तो ये है मुर्गों के पीछे का एरिया, बहुत लंबा एरिया है ये। यहाँ पे गेट है, यहाँ से ये, यहाँ पे बहुत लंबा एरिया है। और इसके बीच में हमने कुछ केले के पेड़ भी दिखा रखे, वो उगा रखे हैं।
ये देखो यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ पे हमारा खेत है, यहाँ पूरे इतना बड़ा एरिया मुर्गों का। चलो इसके अंदर चल के देखते हैं। चलो ये है हमारे सारे मुर्गे। यहाँ पे एक कागजी नींबू का भी पेड़ है, और ये जो है ये बहुत अच्छी खाद होती है। ये हमारे पेड़ खा दे रहे थे इसके केले के, इसलिए हमने यहाँ पे ये भी लगाया, ये जाली ताकि वो खा ना पाए। एक दो पेड़ तो उन्होंने ऐसे चोच मार मार के गिरा के खा गए पूरे। ये यहाँ पे तो एरिया है पूरा, ये चूजे सब मेरे पीछे आ गए मुर्गे, मुझे लग रहा है दूंगा मैं कुछ। ये 50 करीबन है, आज हमने बेच दिए, कम बच्चे थोड़े। और ये जो बड़ी है ये देसी मुर्गी है। वो बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, चलो चलो अंदर। जा अंदर जा, तू अंदर जा। ओ मेरे क्या तो यार भाग गए। अबे वो भी मान के लिए चल ना अंदर। गई फाइनली, एक मुर्गी और रह गई वहां पर उससे लेने जाऊंगा तो ये बाहर आ जाएंगे। क्या करूं अब, ये बीजे जल चले जाते। फाइनली बंद हो गई सारी, तो चलो कुंडा लगाते हैं इससे पहले और कोई भाग जाए। वीडियो के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो अगर कड़कनाथ मुर्गे के ऊपर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।